सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा में होली के दूसरे दिन सड़क पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में एक ही बाइक पर सवार चार लोगों में तीन लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत मिल्कीपुर गांव के समीप घटी है, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बाबा चौहर मल मंदिर से टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार चार व्यक्तियों में तीन की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चौथा बाइक सवार जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद चंडी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सभी जख्मी लोगों को स्थानीय अस्पताल लाई, जहां डॉक्टर ने तीन के मौत की पुष्टि कर दी। मृतकों की पहचान चंडी थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव निवासी सतेंद्र महतो के 22 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार, शैलेंद्र महतो के 20 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार के रूप में की गई, जबकि तीसरे शव की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं जख्मी पटना जिले के वेलछी थाना क्षेत्र के भूवापर गांव निवासी चंदन कुमार का इलाज बिहार शरीफ सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। एक मृतक और जख्मी लौंडा डांस करने का काम करता था। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि अपाची बाइक पर सवार चारों व्यक्ति बख्तियारपुर की ओर जा रहे थे, जिसमें दो का हुलिया लौंडा का था और चलती बाइक में युवक लौंडा के साथ सेल्फी लेने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान तेज गति के कारण बाइक अनियंत्रित होकर मंदिर से टकरा गई, जिससे एक ही बाइक पर सवार चारों जख्मी हो गया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ग्रामीणों के सहयोग से सभी जख्मी को अस्पताल ले गई, जहां तीन व्यक्तियों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। चंडी थाना अध्यक्ष ने बताया कि तेज गति के कारण यह हादसा हुआ है, जिसमें एक ही बाइक पर सवार तीन व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि एक जख्मी है। फिलहाल पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं परिजनों को घटना की सूचना दी गई है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।